अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबीन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मुबीन जानू टीवी। दोस्तों, क्या आप भी ईद के लिए ऐसी या फिर ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं? आप भी जानना चाहते हैं कि ये इमेज कैसे बनती है, किस तरह बनाई जाती है, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, ये सब इमेज मैंने AI की मदद से बनाई है, वो भी बिल्कुल फ्री, बल्कि सच कहूँ तो AI ने मुझे बना कर दी है कुछ सेकंड के अंदर। दोस्तों, क्या आप इस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं? तो आपको जो मैं स्टेप बताऊंगा तो आपने इसको फॉलो लाजमी करना है, तो इस तरह भी इस तरह की इमेज बना सकेंगे। तो चलो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके लिए दोस्तों, आपने अपने मोबाइल से कोई भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे प्ले स्टोर ओपन हो जाता है तो आपने यहाँ पे सर्चिंग बार के ऊपर टाइप करना, यहाँ पे लिख लेना बिंग। तो यहाँ पे बिंग लेके मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखें, इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड हो जाती है तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे ओपन हो जाती है एप्लीकेशन तो आपके सामने इस तरह का पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, नीचे एप्स वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो आपने एप्स वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप कर लेना है। जैसे ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर आप टैप करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे इमेज क्रिएटर के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने इमेज क्रिएटर वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे टैप कर लेना है। जैसे आप इमेज क्रिएटर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं, फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेना है। इस प्रॉम्प्ट को मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना। ज्वाइन एंड क्रिएट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इसको टैप करके पहले साइन इन कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी के साथ भी साइन अप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप आईडी बना लेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं अपनी आईडी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें, जो मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पे ईद मुबारक के सामने आपको मेरा नाम नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपने इसको रिमूव करके अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको एज वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो जैसे कि मेरी 21 एज है, इसको भी यहाँ पे रिमूव करके आप अपनी एज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर और भी चेंजिंग करना चाहें, यहाँ पे नीचे आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ। हमारी इमेज तैयार हो चुकी है। तो इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे आपने इस इमेज के ऊपर ऐसे टैप करना है जिस इमेज को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स वाले ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो आपने इन 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना और ये आपकी इमेज यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, जिनके मोबाइल की स्टोरेज स्पेस कम है या जिनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही, तो वो कैसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी इजी सोल्यूशन है। तो वो इनकी वेबसाइट पे जाके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो करना क्या है, अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्चिंग बार पे लिख लेना है बिंग इमेज क्रिएटर, ये लिख के आपने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखे, मैंने सर्च कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है, तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर ऐसे टैप कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर टैप करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और आपकी इमेज यहाँ पे तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखे, थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारी इमेज यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना नेम यहाँ पे लिख लेना है और अपनी एज भी यहाँ पे आपने लिख लेनी है। तो ये देखे, हमारी इमेज यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इस इमेज के ऊपर मैं टैप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखें, ये 3 डॉट्स वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने 3 डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और आपकी इमेज गैलरी में सेव हो जाएगी। ये देखें, डाउनलोड भी हो चुकी है, गैलरी में सेव भी हो चुकी है। तो गर्ल्स कैसे इस तरह की इमेज बना सकती हैं, तो उन्होंने क्या करना है, प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इस प्रॉम्प्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। चेंजिंग कैसे करनी है, यहाँ पे जो एज लिखी हुई है इसको रिमूव करके अपनी एज यहाँ पे टाइप कर लेनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जहाँ पे स्माइलिंग बॉय लिखा हुआ है, बॉय को रिमूव करना है, गर्ल लिख लेना है। और यहाँ पे नीचे भी जहाँ भी बॉय लिखा होगा, अपने बॉय को रिमूव करना है, गर्ल लिख लेना है।
उसके बाद नीचे यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको बाटा शूज, आपने यहाँ पे इसको रिमूव करके जो आप लाइक करती हैं शूज सैंडल वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं सैंडल लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे कैप लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देना है आपने। उसके बाद नीचे आना है, जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रिमूव करके आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो आपने क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। तो ये देखें यहाँ पे थोड़ी बहुत लोडिंग हो रही है, यहाँ पे इमेज हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें बहुत प्यारी इमेज बनी है। तो सेव कैसे करना है, यहाँ पे आपने इमेज के ऊपर टैप कर लेना है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत लोडिंग होगी और यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, आपने थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। तो ये देखें डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गई है और ये देखें डाउनलोड भी हो चुकी है, तो आपकी गैलरी में इस तरह सेव भी हो जाएगी। तो इस तरह गर्ल्स भी ईद वाली ऐसी इमेज बना सकती हैं। अगर आप कपल के लिए बनाना चाहते हैं सेम यही प्रोसीजर है कि आपने जहाँ बॉय लिखा होगा वहाँ पे आपने कपल लिख लेना है और एज भी यहाँ पे चेंज कर लेनी है, और उसके अलावा अगर आप शूज वगैरह चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर होगा, तो इस तरह आप कपल वाली भी इमेज बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिंपल मैटर जिसके जरिए आप ईद वाली इमेज अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री AI की मदद से बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, इससे होगा कि आप तक हमारे चैनल से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव ही होता हूं ज्यादातर, आपको इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो आप दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।